मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन आईटी मंत्रा में। आज करेंगे हम DMM यानी कि ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल फर्स्ट ईयर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की नेक्स्ट वीडियो, वीडियो नंबर 21। इससे पहले हम 20 वीडियो कर चुके हैं, तो जिस बच्चे ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो भी जरूर देख ले। हम CBT एग्जाम की तैयारी के लिए ये सीरीज कर रहे हैं। जिस बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो अगर वो बच्चा इस सीरीज की सभी वीडियो देख लेता है, अच्छे से समझ लेता है, सारे क्वेश्चनों को ध्यान से कर लेता है, तो मैं गारंटी देता हूँ वो बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर पास हो जाएगा, क्योंकि CBT एग्जाम में सारे क्वेश्चन इसी सीरीज में से आते हैं। तो इस सीरीज को बहुत अच्छे से ध्यान से करें। इस सीरीज में मैं प्रत्येक क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में कराता हूं। साथ के साथ कोई भी फिगर की जरूरत होती है, कोई डायग्राम की जरूरत होती है, उसके साथ मैं आपको समझाता हूं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको रटने की जरूरत ना पड़े, सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो जाएं और आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर उसमें पास हो जाओ। इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जहां पर हम PDF या दूसरी अपडेट है वो शेयर करते हैं, उसको भी जरूर ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या टेलीग्राम पे जब आप सर्च करोगे ऑनलाइन ITI मंत्रा लिख के, तो आपको हमारा चैनल ऊपर ही मिल जाएगा, उसको भी जरूर ज्वाइन कर ले, वहां हम सभी अपडेट डालते रहते हैं। अब बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो क्विज के दो क्वेश्चनों से। तो ये रहा हमारा क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इन क्विज के क्वेश्चनों के जवाब ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताने के आंसर क्या होंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से है, विच वन इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ वेल्डिंग, वेल्डिंग का सबसे पुराना प्रकार कौन सा होता है। जो वेल्डिंग होती है अलग अलग प्रकार की होती है, आपने बताना है सबसे पुराना जो प्रकार है वो कौन सा है। ऑप्शन आपके पास है फोर्ज वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग या ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग। तो ABCD में से क्या आंसर होगा कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्विज का, विच टाइप ऑफ की इज अ टेपर की विद अ स्क्वायर हेड, किस प्रकार की टेपर होती है, उसका हेड क्या होता है, स्क्वायर होता है, उसका नाम आपने बताना, बहुत अच्छे से मैंने समझाया था। ऑप्शन आपके पास है गिब हेड की, फेदर की, कोन की या पेग की। तो ABCD में से क्या आंसर होगा, इन दोनों क्वेश्चनों के क्विज के जवाब आपने कमेंट करके बताने हैं। अब शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 301 से, विच टाइप ऑफ फोर्सेज एक्ट ऑन द शाफ्ट, शाफ्ट के ऊपर किस प्रकार का बल होता है। आपको समझाने के लिए मैंने एक शाफ्ट ली है। ऑप्शन आपके पास है कंप्रेसिव, टेंसाइल, शियर या एंगुलर। तो आपने बताना शाफ्ट पे कौन सी फोर्स लगती है। देखो, हम इस पे जब टॉर्क ट्रांसमिशन करते हैं तो यहाँ पर फोर्सेज लगेगी, हम शाफ्ट को ऐसे ट्विस्ट कर रहे हैं, एक तरह से कौन सी फोर्स लगेगी, यहाँ पर ट्विस्टिंग कर रहे हैं, यानी कि जो एक लेयर है इसकी शाफ्ट की वो दूसरी लेयर के कंपैरिजन में डिफॉर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी। तो जब डिफॉर्मेशन होता है तो कौन सी फोर्स लगती है, तब लगती है शियर फोर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, शियर फोर्स। शाफ्ट पे मेनली जो मुख्य तौर पर फोर्स लगती है वो कौन सी फोर्स लगती है, शियर लगती है, जो इसको डिफॉर्म करने की कोशिश करती है, शियर करने की कोशिश करती है, ट्विस्ट करने की कोशिश करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 302, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ सेंक की का मुख्य लाभ क्या है। पिछली वीडियो में सेंक की का डायग्राम मैंने आपको दिखाया था, आपको पता है सेंक की कैसे होती है। अब आपने बताना उसका मुख्य लाभ क्या है, उसका मुख्य एडवांटेज क्या है। ऑप्शन आपके पास है पॉजिटिव ड्राइव है, ये नेगेटिव ड्राइव है, न्यूट्रल ड्राइव है या रिवर्स ड्राइव है। तो जो सेंक की है उसका मुख्य एडवांटेज यही है कि ये पॉजिटिव ड्राइव है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, पॉजिटिव ड्राइव। और पॉजिटिव ड्राइव का मतलब है जो किस की वजह से टॉर्क ट्रांसमिशन या हम कहें पावर जो ट्रांसमिशन है वो एफिशिएंटली होता है दूसरी की के कंपैरिजन में। बाकी की में हो सकता है थोड़ी स्लिपेज हो, स्लिप हो सकती है शाफ्ट, लेकिन सेंक की कभी स्लिप नहीं होती। इसमें जो टॉर्क ट्रांसमिशन है, पावर ट्रांसमिशन है, वो क्या होता है, बहुत एफिशिएंट होता है, बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो ये कौन सी ड्राइव हमारी, पॉजिटिव ड्राइव है, ए पे टिक करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 303, Which type of joint is used to connect square or rectangular bar? जो वर्ग या आयताकार शाफ्ट होती हैं उनको जोड़ने के लिए कौन सा ज्वाइंट हम उपयोग करते हैं, ये बताना आपने। ऑप्शन आपके पास है वेल्डेड ज्वाइंट, रिवेटेड ज्वाइंट या क्वार्टर ज्वाइंट या बोल्टेड नट ज्वाइंट। तो जो हमारे स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगुलर शेप में बार होती हैं, शाफ्ट होती है, उनको जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं क्वार्टर ज्वाइंट। तो आपने याद रखना क्वार्टर ज्वाइंट कैसा होता है, पीछे हमने वीडियो में दिखाया भी था और आपको समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम लिया है। ये है हमारा क्वार्टर ज्वाइंट, और क्वार्टर ज्वाइंट का जो काम होता है इसको शाफ्ट को जोड़ने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ऊपर से जो इसकी विड्थ होती है थोड़ी ज्यादा होती है, नीचे क्या है थोड़ा सा टेपर होता है, विड्थ इसकी कम हो जाती है। एक शाफ्ट ये है, एक शाफ्ट ये है, इस शाफ्ट को इसके अंदर डाल के इस क्वार्टर ज्वाइंट को इसमें ऐसे फिट कर देते हैं, शाफ्ट इसके अंदर हो जाएगी, अब इसमें पावर ट्रांसमिशन या टॉर्क ट्रांसमिशन आसानी से हो सकता है। पूछा गया था रेक्टेंगुलर शाफ्ट के लिए, तो ये देखो यहाँ पर डायग्राम में दिखा रखी है, ये रेक्टेंगुलर शाफ्ट है हमारी, एक ब्लू कलर की और एक है एक ग्रीन कलर की। इसको जोड़ने के लिए हमने येलो कलर की जो क्वार्टर ज्वाइंट है ये यूज कर रखा है। तो ये
जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि हमारा जो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बार है उसके लिए क्या यूज करते हैं हम जोड़ने के लिए, क्वार्टर जॉइंट का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा डायग्राम की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 304, विच टाइप ऑफ मोशन आर द क्वार्टर ज्वाइंट यूज्ड, जो क्वार्टर ज्वाइंट है उसका उपयोग किस प्रकार की गतियों के लिए किया जाता है। देखो क्वार्टर ज्वाइंट का डायग्राम हमने पिछले क्वेश्चन में दिखाया था और ये हमारा क्वार्टर ज्वाइंट है। तो जो क्वार्टर ज्वाइंट है इसका उपयोग करते हैं हम कौन से मोशन के लिए। ऑप्शन आपके पास है रोटरी, रेसिप्रोकेटिंग, एंगुलर या सर्कुलर। तो जो क्वार्टर ज्वाइंट है जो मेनली यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है, यहां लिखा भी हुआ, यूज टू कनेक्ट टू अलाइंड शाफ्ट ट्रांसमिटिंग अ पुल और पुश, यानी कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन। क्वार्टर ज्वाइंट से हमने दो शाफ्ट, एक शाफ्ट ये एक शाफ्ट ये जोड़ रखी है, तो इसको हम ऐसे पुल और पुश, पुल करने के लिए, धक्का देने के लिए और खींचने के लिए इसका ज्यादातर प्रयोग करते हैं। तो आगे पीछे जब हम कोई मोशन करते हैं तो उसको बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। क्वार्टर ज्वाइंट का ज्यादातर प्रयोग किया जाता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 305, व्हाट इज द टेपर इन द क्वार्टर ज्वाइंट, क्वार्टर ज्वाइंट में टेपर क्या है आपने ये बताना है। ऑप्शन आपके पास है वन साइड ऑफ द विड्थ, बोथ साइड ऑफ द, ये बोथ है बी और टी एच, बोथ साइड ऑफ द विड्थ, वन साइड ऑफ द थिकनेस या बोथ साइड ऑफ द थिकनेस। तो क्वार्टर ज्वाइंट का डायग्राम आपने ये था देखा भी था। तो इसमें जो टेपर होता है क्या होता है, यहां पर ये इसकी विड्थ है डब्ल्यू और ये इधर इसकी मोटाई है, कितनी मोटाई यानी कि थिकनेस। तो थिकनेस तो इसकी क्या है, इक्वल रहती है, लेकिन जो टेपर है वो सिर्फ विड्थ में है, वो भी एक साइड में, इधर से चौड़ी है, इधर से इसकी विड्थ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो टेपर है एक साइड में है, ये क्वेश्चन का आंसर है। तो इस क्वेश्चन के लिए किस पे टिक करेंगे, ए पे टिक करेंगे, वन साइड ऑफ द विड्थ, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 306, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ सर्कलिप्स, सर्कलिप्स का दूसरा नाम क्या है। सर्कलिप्स क्या होती है समझाने के लिए मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया, ये होती है सर्कलिप्स। और इन सर्कलिप्स का प्रयोग हम कहां करते हैं, जहां पर हमें लेटरल जो मूवमेंट होती है, शाफ्ट पे कोई पार्ट हमने जोड़ना है और उनके बीच में लेटरल मूवमेंट ना हो, उसको रोकने के लिए, उसको रिटेन करने के लिए, उसको अपनी जगह पर रखने के लिए हम सर्कलिप का प्रयोग करते हैं। तो ये ऐसे सर्कलिप होती है, अलग अलग शेप और साइज में ये उपलब्ध होती है मार्केट में। तो ऑप्शन आपके पास है जो इसका दूसरा नाम वो बताना है, कॉलर पिंस, सेट कॉलर, रिटेनिंग रिंग्स या स्प्लाइंड रिंग। तो जो सर्कलिप्स है ये उसको किसी भी पार्ट को रिटेन करके रखती है, उस अपनी जगह फिक्स रखती है, इसलिए इसको हम रिटेनिंग रिंग्स भी बोलते हैं। और ये गोल होती है, रिंग की शेप में होती है और रिटेन करती है, तो रिटेनिंग रिंग इसका आंसर हो जाएगा। सी पे हम टिक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 307, विच वन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीआई पाइप्स, जो सीआई पाइप होते हैं उसके निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है। सीआई का मतलब होता है कास्ट आयरन, जो कास्ट आयरन के पाइप हैं उसमें कौन सा कास्ट आयरन यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि कास्ट आयरन भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ऑप्शन आपके पास है ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, मैलिएबल कास्ट आयरन या डक्टाइल कास्ट आयरन। तो जो कास्ट आयरन के पाइप होते हैं इस प्रकार के होते हैं, जो डायग्राम आपको दिखाया ये कास्ट आयरन है। तो जो कास्ट आयरन है इनकी मैन्युफैक्चरिंग कौन से कास्ट आयरन से होती है, वो होती है ग्रे कास्ट आयरन। तो ग्रे कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है इनकी सीआई पाइप की मैन्युफैक्चरिंग में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 308, गैल्वेनाइज्ड पाइप आर स्टील और आयरन पाइप कोटेड विद, जो गैल्वेनाइज्ड पाइप होते हैं स्टील के या आयरन के, उसके ऊपर हम किस चीज की कोटिंग करते हैं, किस चीज का लोप करते हैं, किस प्रकार से लेपित करते हैं, उसके ऊपर एक परत चढ़ा देते हैं, तो उस मेटल का नाम बताना, किस मेटल की परत उसके ऊपर चढ़ी होती है स्टील या आयरन के पाइप के ऊपर। ऑप्शन आपके पास है जिंक, लेड, कॉपर या एल्यूमिनियम। तो जो गैल्वेनाइज्ड पाइप होते हैं इसके ऊपर हम क्या करते हैं, जिंक की एक परत चढ़ा देते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं, ताकि जो कोरोजन है, जो जंग है, उसमें स्टील के पाइप में, आयरन के पाइप में ना लगे। तो कोरोजन से बचाने के लिए स्टील के जो पाइप होते हैं, आयरन के जो पाइप होते हैं, उन पे हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, ए पे टिक करेंगे, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 309, इन पाइपिंग लेआउट जनरली पाइप्स आर कनेक्टेड विद, पाइपिंग लेआउट में आमतौर पर पाइप खालिस्तान से जुड़े होते हैं, आपने बताना जो पाइपिंग होती है, अलग अलग पाइपिंग लेआउट होते हैं उनको जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं। ऑप्शन आपके पास है प्रेशर यानी कि दबाव, पाइप फिटिंग्स, स्लाइडिंग कनेक्टर्स या सेल्फ लॉकिंग कनेक्टर। तो जो डिफरेंट टाइप्स के पाइप होते हैं उनको जोड़ने के लिए जो यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं पाइप फिटिंग, यानी पाइप की फिटिंग के लिए जो यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, पाइप फिटिंग। और अलग अलग तरह की पाइप फिटिंग मैंने आपको क्वेश्चन में डायग्राम में दिखा रखी है। देखो अडेप्टर है, ये बल्ब है, ये हमारी एल्बो है, टी ज्वाइंट है, क्रॉस टाइप है, निप्पल है, यूनियन है, वाल है, इस तरह की अनेक प्रकार के जो पाइप फिटिंग है वो यूज की जाती है पाइप को जोड़ने के लिए।
तो बहुत आसान क्वेश्चन था, पाइपिंग लेआउट में पाइप किससे कनेक्ट होते हैं, पाइप फिटिंग के द्वारा वो आपस में जुड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 310, विच फिटिंग कनेक्ट टू पाइप्स प्लेसेस एट राइट एंगल टू ईच अदर। कौन सा फिटिंग दो पाइपों को एक दूसरे से समकोण पर जोड़ता है, आपने उस पाइप फिटिंग का नाम बताना है जिसका प्रयोग हम पाइपों को 90 डिग्री के एंगल पर जोड़ने के लिए करते हैं। ऑप्शन आपके पास है 90 डिग्री एल्बो, 45 डिग्री एल्बो, लेटरल फिटिंग या 90 डिग्री कनेक्टर। तो दो पाइपों को जो 90 डिग्री पे होते हैं उसको जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं 90 डिग्री एल्बो। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा ए। और आपको समझाने के लिए मैंने डायग्राम लिया है, ये हमारी 90 डिग्री एल्बो, इसमें एक पाइप हमारा यहां जुड़ जाता है और एक पाइप हमारा यहां जुड़ जाता है। तो दो पाइप जो 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं उनको जोड़ने के लिए हम इस एल्बो का प्रयोग करते हैं, उस एल्बो का नाम है 90 डिग्री एल्बो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 311, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिटर्न बैंड फिटिंग। रिटर्न बैंड फिटिंग का कोण क्या होगा, जो रिटर्न बैंड है उसको हम यू बैंड भी बोलते हैं। और आपको समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम लिया ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए कि वो कैसा होता है, ये होता हमारा यू बैंड या रिटर्न बैंड। तो इसमें जो एंगल है वो एंगल पूछा गया है वो कितना होता है, 360 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री या 45 डिग्री। तो आप आसानी से देख के बता सकते हो इसमें एक पाइप यहां जुड़ेगा और दूसरा पाइप यहां जुड़ेगा, तो इनके बीच में जो एंगल होगा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। और ये पाइप जो फिटिंग है ये यूज करते हैं हम किसी फ्लो की डायरेक्शन बदलने के लिए। देखो हमारा पहले जो पाइप यहां जुड़ा होगा उसकी फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, फिर यहां से घूम के उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, 180 डिग्री चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन ही चेंज करने के लिए कितने डिग्री के एंगल पे, 180 डिग्री के एंगल पे इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, रिटर्न बैंड का या यू बैंड का। तो इसके बीच में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, याद रखना है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 312, विच टाइप ऑफ पाइप इज कॉमनली यूज्ड फॉर वाटर स्टीम ऑयल गैस। पानी बाफ तेल गैस के लिए सामान्यतः किस प्रकार के पाइपों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है रोट आयरन और कॉपर, पीवीसी और स्टील, स्टील और रोट आयरन, कॉपर और पीवीसी। तो जो जनरली यूज करते हैं वाटर स्टीम या ऑयल और गैस के लिए, इनको ट्रांसफर करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह के लिए, वो पाइप होते हैं हमारे स्टील या रोट आयरन के। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सी, स्टील और रोट आयरन के पाइपों का प्रयोग किया जाता है वाटर स्टीम और ऑयल या गैस आदि की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो सी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 313, व्हाट इज द अदर प्रोसेस टू फास्टन पाइप्स टुगेदर विदाउट द यूज ऑफ पाइप फिटिंग। पाइप फिटिंग के उपयोग के बिना एक साथ पाइप को जकड़ने के लिए अन्य प्रक्रिया क्या होती है। क्वेश्चन में सिंपल ये पूछा गया है, अगर आपको जो पाइप जोड़ने हैं पाइप फिटिंग नहीं है आपके पास, यानी कि पाइप फिटिंग आपने यूज नहीं करनी है जो जनरली यूज करते हैं उनको जोड़ने के लिए, तो अगर आपको उन पाइपों को जोड़ना है पाइप फिटिंग के बिना तो दूसरी जो प्रोसेस है वो कौन सी हो सकती है, उसका नाम आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास है फोर्जिंग, रिवटिंग, वेल्डिंग या कास्टिंग। तो फास्टन करने के लिए, दो पाइपों को जोड़ने के लिए पाइप फिटिंग के अलावा हम यूज कर सकते हैं वेल्डिंग का। तो वेल्डिंग की मदद से हम दो पाइपों को जोड़ सकते हैं अगर हमें पाइप फिटिंग का यूज ना करना हो। तो दूसरी प्रोसेस का नाम है वेल्डिंग। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 314, विच टाइप ऑफ पाइप फिटिंग अलाउज द कंटेंट्स ऑफ टू पाइप्स टू फ्लो टुगेदर इनटू वन पाइप। किसी प्रकार की पाइप फिटिंग दो पाइपों की सामग्री को एक पाइप में एक साथ प्रवाह करने की अनुमति देती है। समझाने के लिए मैंने डायग्राम बना रखा है, इसमें पूछा गया है वो कौन सी पाइप फिटिंग, उसका नाम क्या है, जिसमें देखो एक पाइप यहां जुड़ा हुआ है एक पाइप ये यहां जुड़ा हुआ है, तो दोनों का जो फ्लो था वो आके आगे जाके एक पाइप में जुड़ जाएगा, यानी कि दो पाइपों का फ्लो कहां हो जाएगा, एक पाइप में। तो इस तरह की पाइप फिटिंग का नाम आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास है रिटर्न बैंड, एल्बो, लेटरल या क्रॉस फिटिंग। देखो रिटर्न बैंड आप देख चुके हैं ये नहीं हो सकता, एल्बो भी आप देख सकते हो जो 90 डिग्री का एल्बो होती थी वो भी नहीं है। तो इस तरह की जो फिटिंग है इसको हम बोलते हैं लेटरल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो लेटरल फिटिंग है उसका प्रयोग क्या करते हैं, हम दो पाइपों का जो फ्लो है आगे अगर हमें एक फ्लो बनाना है उसका, एक पाइप का फ्लो बनाना है, तो उसके लिए लेटरल फिटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो सी पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, Which type of fittings is used in PVC pipe? PVC pipe में किस प्रकार की फिटिंग का उपयोग किया जाता है? PVC का मतलब होता है पॉली विनाइल क्लोराइड। तो आजकल जो जनरली यूज किए जाते हैं वो पीवीसी पाइप काफी यूज किए जाते हैं, और आपको समझाने के लिए पीवीसी पाइप का मैंने एक डायग्राम लिया ही होते हैं। पीवीसी पाइप पॉली विनाइल क्लोराइड एक तरह से प्लास्टिक के पाइप होते हैं, और वो कौन सी प्लास्टिक होती है, पीवीसी। तो इन पीवीसी पाइपों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है ये पूछा गया है।
यूज ऑफ थ्रेडेड फिटिंग, जी नहीं थ्रेड का इसमें थ्रेड होते ही नहीं, थ्रेड का प्रयोग नहीं करते। यूज ऑफ सोल्डर्ड फिटिंग, सोल्डर फिटिंग का प्रयोग, जी नहीं। इंस्टॉलेशन ऑफ फ्रिक्शन टाई फिटिंग, जी नहीं। अप्लाई द एडेंसिव, तो आपने देखा होगा जर्नली इसमें हम जो खेती वगैरह में यूज करते हैं या घर की पाइप फिटिंग है तो उसके लिए हम इनको जोड़ना है, तो एडेसिव जो चिपकने वाला पदार्थ है जिनको जोड़ने के लिए हम गोंद का या स्पेशल टाइप का एडेसिव होता है जो इनको क्या करेंगे हम इसकी जो यहाँ पर ये लगी हुई शॉक कट यहाँ पर लगा देते हैं उस एडेसिव को, दूसरा पाइप इसके अंदर फिट करके और चिपका देते हैं। तो चिपकाने वाला पदार्थ इसके लिए प्रयोग किया जाता है जोड़ने के लिए, तो अप्लाई एडेसिव, तो जो पीवीसी पाइप उसको जोड़ने के लिए एडेसिव का यूज करते हैं, चिपकाने वाले पदार्थ का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे हमारे आज के वीडियो के नेक्स्ट 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो के जो क्वेश्चन मैंने समझाए वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी जरूर किया करो और अपने दूसरे साथियों के साथ भी वीडियोज को जरूर से जरूर शेयर कर दिया करो। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।